हेयर फॉल हो रहा है और अभी भी आप लोग शैम्पू और तेल पर अटके हैं, नहीं रुकेगा भाई। इस वीडियो में मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ हेयर फॉल रोकने के लिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आए ना तो डिसलाइक कर देना, और अगर पसंद आए तो पूरी वीडियो देख के जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। देखो, मार्केट में वैसे आपको बहुत सारे लोग और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो ये दावा करेंगे कि आपके हेयर फॉल को 100% रोक सकते हैं, लेकिन सब पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ कैसे हेयर फॉल होता है और कैसे हम लोग उसे रोक सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हेयर फॉल आखिर होता क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताता हूँ और आप लोग भी सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा आपका रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों के बाल गिरते हैं। देखिए, सबसे पहला और जो मेन रीज़न होता है वो होता है जेनेटिक्स, यानी कि जो जीन्स हमें हमारे बाबा और दादा से मिले हैं उनकी वजह से अगर किसी का हेयर फॉल होता है तो वो जेनेटिकल होता है और नॉर्मली इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा सबसे जो मेन रीज़न होता है हेयर फॉल का वो होता है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना उनका हेयर फॉल कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई स्ट्रेस लेने से ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसके बाद एक और रीज़न है माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो लोग अंडर न्यूट्रिटिव होते हैं, जिन्हें अच्छे अमाउंट में मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स वीक होने लगते हैं और फाइनली हमारे हेयर्स वीक होकर गिरने लगते हैं। इसके बाद एक और रीज़न आता है डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन, यानी कि जिन लोगों के बालों में इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई डिजीज़ हुई है तो हो सकता है इस वजह से भी उन लोगों के बाल गिरने लगे हों। एक और रीज़न आता है दोस्तों पुअर हेयर केयर रूटीन, यानी कि जो लोग अच्छे से अपने बालों का ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के बाल भी बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। तो अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके हेयर फॉल का कॉज क्या है, यानी कि कौन से रीज़न की वजह से आप लोगों के बाल गिरते हैं। लेकिन दोस्तों, रीज़न चाहे जो भी हो, बाल गिरना एक बहुत बुरी बात है, यानी कि जिन लोगों के बाल गिर जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोई भी रीज़न हो, अगर आप लोग अपने हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं तो अब मैं आपको कुछ ऐसे मेजर्स बताता हूं जिनसे आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा और कॉमन रीज़न है आपके हेयर फॉल के पीछे। तो अगर आप लोगों को स्ट्रेस की दिक्कत है, आप लोग स्ट्रेस लेते हैं, तो सबसे पहले आपको इसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रेस लेंगे तो फिर आपका हेयर फॉल रुकने वाला नहीं है। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक ऐसी डाइट जिसमें सफिशेंट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिसिंस की, कुछ ऐसी टैबलेट्स की जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो मेडिसिंस में दोस्तों, आप लोग सबसे पहले तो बायोटिन की एक टैबलेट एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बायोटिन की टैबलेट मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि बायोटिन को हम लोग विटामिन एच भी कहते हैं और ये हमारे हेयर्स ग्रोथ को प्रमोट कराता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल डाउन होता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग एक दिन में एक बायोटिन की टैबलेट कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत कॉमन टैबलेट है जिसे फॉली हेयर टैबलेट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट कराते हैं और आपके हेयर फॉल को कम करते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक और टैबलेट होती है जिसे हेयर फुल टैबलेट कहते हैं, आप लोग इसे भी एक दिन में एक कंज्यूम कर सकते हैं और ये भी आपके हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कम करती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसके लिए एक टैबलेट आती है फिनपीसिया टैबलेट, ये आप लोग एक दिन में एक ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी भी टैबलेट्स मैंने आपको बताई हैं इन सबको आपको डॉक्टर की सलाह के साथ लेना है, क्योंकि अगर आप लोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लेते हैं तो हो सकता है इन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले और आप लोगों का हेयर फॉल रुकने के बजाय और बढ़ जाए। तो आप लोगों को अपनी मर्ज़ी से इनका इस्तेमाल नहीं करना है। ये कॉमन टैबलेट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं सभी डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा। तो फिर आप लोग अगर इनका यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को पहले कंसल्ट करें, उसके बाद इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। तो गाइज, ये इन्फॉर्मेशन थी हेयर फॉल और इसे रोकने के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।